ये कहानी है उस समय की जब इंसान अलग अलग ग्रहों पर अपनी कॉलोनी बना रहे थे। समय है 1946, जहाँ पे अर्थ पे रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था और इंसान अब ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट पर बस गए थे। हम रॉबिन्सन फैमिली को देखते हैं, जो अब अर्थ से अल्फा सेंचुरी के एक प्लैनेट पे रहने जा रहे होते हैं। उनके शिप का नाम था जुपिटर। इन्हें वहां पहुंचने के लिए काफी समय लगने वाला था। हम इनके फैमिली को देखते हैं, जहां पे थी मॉरीन पार्कर, जो इस पूरे मिशन की कमांडर होती है, उसका हस्बैंड जॉन, जो पहले नेवी में काम किया करता था, और उनके तीन बच्चे। सबसे बड़ी होती है जूडी, दूसरी पेनी और सबसे छोटा बेटा विल। ये लोग पत्ते खेलकर अपना समय बिता रहे होते हैं, तभी अचानक से शिप का एआई इन्हें अपने हेलमेट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग एक अननोन प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर होने वाले थे। सभी लोग रेडी होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके स्पेसशिप के आसपास से काफी ज्यादा मेट्रोइड गुजरने लगते हैं, जिससे शिप पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जोरों से सरफेस की तरफ बढ़ने लगती है और उस प्लैनेट से जाके टकराती है। ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले विल हैच से बाहर आता है और वो देखता है कि ये कोई साधारण प्लैनेट नहीं है, ये प्लैनेट एक तरह से बर्फ का रेगिस्तान है। सब लोग बाहर आकर आसपास चीजें देख ही रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि इन्होंने एक ग्लेशियर पे लैंड किया है और देखते ही देखते इनकी शिप पानी में धंस जाती है। ये सभी लोग काफी टेंशन में आते हैं, क्योंकि ना तो खाने पीने का सामान था और ना ही ठंड से बचने के लिए जगह। इसी दरमियान हम इनका फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे जॉन नेवी की ड्यूटी खत्म करके क्रिसमस पर अपने परिवार से मिलने आया होता है। सभी लोग काफी मजे करने वाले थे, लेकिन इनका प्लान चौपट हो जाता है, क्योंकि अर्थ पर भारी मात्रा में मेट्रोइड गिरने वाले थे, इसीलिए ये लोग घर में ही रहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में इन्हें पता चलता है कि इस प्लैनेट के हवा में ऑक्सीजन की काफी मात्रा है और ये लोग सांस ले सकते हैं। सभी लोग अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे यहाँ से निकलने के लिए, जैसे कि पेनी इस प्लैनेट पे कोई और है या नहीं ये देखने के लिए फ्लेयर गन से शूट करती है, लेकिन काफी समय तक इन्हें कोई रिप्लाई ही नहीं आता। धीरे धीरे ठंड बढ़ने वाली थी और रात होते होते -60 तक ये टेम्परेचर जाने वाला था। अब ये लोग आसपास टेम्पररी टेंट बांध देते हैं और जॉन डिसाइड करता है कि शिप जो पानी में गिरा है उसमें कोई जाकर वहाँ की बैटरी लेकर आए, ताकि रात में आग लगा सकते हैं। अब क्योंकि सबसे छोटा विल होता है, जो आसानी से नीचे जाकर बैटरी लेके आ सकता था, इसीलिए ये लोग विल को तैयार करने लगते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहन जूडी ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इस काम में बहुत ही खतरा था और पेरेंट्स कुछ बोले इसके पहले ही वो सीधा पानी में कूद जाती है और तैरते हुए शिप के पास जाकर वहां से वो बैटरी निकालने लगती है, लेकिन पानी के दबाव के कारण वो अचानक से पैनिक होने लगती है और वो ऊपर नहीं आ पाती। तो यहां हम देखते हैं मॉरीन के पैर में भी काफी चोट आ गई थी, जिसके चलते वो खुद को मूव नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे जूडी पैनिक हो रही थी, लेकिन मॉरीन उसे समझाती है कि उसका सूट उसे ठंड पानी में भी गर्म रख सकता है और उनके पास 5 घंटे का ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जॉन ऊपर से बर्फ को तोड़ने लगता है, ताकि जूडी को बाहर निकाल सके। इसी दरमियान विल थोड़ी दूरी पे सफेद सफेद आग के लपटों को देखता है और वो अपने पिता को बताता है कि वहाँ पे सफेद धुआं है, यानी वहाँ पे मैग्नीशियम हो सकता है, जिसे ये लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आग जलाने के लिए। इसीलिए जॉन अपने बेटे विल साथ वही मैग्नीशियम ढूंढने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे पेनी भी बर्फ तोड़ने लगती है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अपने बहन को नहीं बचा पाएगी, इसीलिए रोने लगती है। तो यहाँ पे हम जॉन और विल को देखते हैं, जो काफी समय बर्फ में चलने के बाद एक गुफा में पहुंचते हैं, जहाँ पे इन्हें मैग्नीशियम मिलता है, जिसे ये लोग अपने बैग में डालकर वापस आने वाले होते हैं। लेकिन तभी विल एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे गिर के बेहोश होता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक तरह का जंगल है और पूरा अर्थ लाइक एनवायरमेंट था। वहीं दूसरी तरफ मॉरीन का पैर बहुत ही ज्यादा दुख रहा होता है और तभी जूडी पेनी को बताती है कि उसे ही माँ की चोट को ठीक करना होगा और वो उसे गाइड करने लगती है। तो यहाँ पे विल जब जंगल को देखता है, तब अपने पिता को नीचे बुलाने लगता है, क्योंकि ये काफी अनोखी जगह थी। ये वही प्लैनेट हो सकता था जहाँ पे ये अपनी कॉलोनी बना सकते थे, लेकिन जॉन को पता होता है कि जूडी के पास काफी कम समय है, इसीलिए वो विल को कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुकना होगा, मैं जल्दी जाकर जूडी को निकालूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, और वो यहाँ से निकल जाता है। अब बेचारा विल गुफा में बैठा हुआ था, तब उसे भी कुछ अतीत की चीजें याद आती है। जब ये सभी लोग अर्थ पे थे, तब हर एक मेंबर को स्पेस ट्रैवल के लिए एक टेस्ट देना पड़ रहा था, ताकि इन मेंबर्स की एलिजिबिलिटी डिसाइड हो, और विल इस टेस्ट के पहले काफी डरा हुआ था। वही मॉरीन भी इसी समय को याद करती है, जहाँ हमें पता चलता है उस टेस्ट में विल फेल हो गया था, लेकिन मॉरीन ने
टेस्ट के रिजल्ट चेंज कर दिए थे ताकि वो विल को भी लेके जाए। तो यहाँ पे विल को जंगल में आगे चलकर कुछ धुआं दिखाई देता है, इसीलिए वो आगे देखने जाता है। यहाँ पे उसे काफी सारे पेड़ पौधे जले हुए दिखाई देते हैं और वहीं पे एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप क्रैश हुआ था और थोड़ी समय में वहाँ पे रोबोट जैसा क्रीचर उसे दिखाई देता है, जिसके कारण विल डरकर छुप जाता है, लेकिन रोबोट उसे देख लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जॉन इनके कैंप में वापस आता है, लेकिन जब मोरिन विल को नहीं देखती तब वो काफी गुस्सा होती है और दोनों का भी आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। और यही पे हमें समझ आता है कि इनके बीच में काफी सारी मुश्किलें थी और यहाँ पे मोरिन ने अतीत में जॉन से डिवोर्स के लिए भी कहा होता है। वही दूसरी तरफ एलियन विल से कम्युनिकेट करता है और उसे कहता है कि वो ना डरे। फिर विल भी एलियन से बात करने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि जंगल में आग लगने के कारण इस रोबोट के दूसरे साथी भी आग की चपेट में आकर जल गए थे। तो यहाँ पे मोरिन और जॉन मैग्नीशियम से आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं और ऊपर का सारा बर्फ ये लोग पिघलाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिससे ये पूरी आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह विल को पता चल जाता है कि एलियन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो उसकी मदद लेने का डिसाइड करता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे रॉबिन्सन फैमिली का पूरा मनोबल ढल गया होता है। उन्हें लग रहा था जूडी को तो ये बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो खुद भी इस ठंड में सेव नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी पेनी एक अनजान क्रीचर को उनकी तरफ आते देखती और काफी डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से विल भी आ जाता है। ये वही एलियन था और एलियन सारी सिचुएशन को देखता और उसे पता चलता है पानी के अंदर एक इंसान है, इसीलिए वो अपनी पावर से बर्फ को पिघला लेता है और फाइनली ये लोग जूडी को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे अतीत में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे ये रॉबिन्सन फैमिली एक दूसरे शिप में होती है जो अर्थ के काफी सारे लोगों को लेकर स्पेस में बढ़ रहा था। इस शिप का नाम रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन इनके इस शिप पर काफी सारे एलियन क्रीचर हमला कर देते हैं और एक एक करके इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये एलियन क्रीचर वही होते हैं जो अभी विल की मदद कर रहा था। इसी दरमियान हम डॉक्टर स्मिथ नाम के एक औरत को देखते हैं जो इस शिप की सेकंड इन कमांडर ऑफिसर होती है। उसे भी इस शिप से भागना होता है, तभी वो देखती है कि डॉन नाम का एक टेक्नीशियन अपने गर्लफ्रेंड एंजेला के साथ जुपिटर 18 नाम के किसी शिप से भाग रहा है और वो उनसे मदद मांगती है और ये तीनों भी जुपिटर 18 से उस मेन शिप से भाग जाते हैं। इनके जाते ही वो मेन शिप जिसका नाम रिवॉल्यूशन था उसका ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट के कारण डॉक्टर स्मिथ की शिप भी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पास ही के प्लैनेट में जाकर क्रैश लैंड करती है, जिसमें डॉन की जो गर्लफ्रेंड रहती है एंजेला वो मारी जाती है। अब शटल के क्रैश होने के बाद डॉक्टर स्मिथ और डॉन ये दोनों ही बचे रहते हैं जो अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये औरत डॉक्टर स्मिथ नहीं है, ये एक बहरूपिया है और उसका नाम जून था। उसने डॉक्टर स्मिथ की आइडेंटिटी चुराई थी और सबको वो डॉक्टर स्मिथ ही बता रही होती है। और तभी उसे रियल डॉक्टर स्मिथ की एक स्क्रैप बुक मिलती है जो वो अपने पास रख लेती है। अब इन दोनों को भी प्लैनेट के दूरी पर कुछ हलचल दिखाई देती है और वे लोग वहीं पे जाने का फैसला करते हैं। दरअसल ये लोग भी उसी प्लैनेट पे होते हैं जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली थी, लेकिन दोनों के एनवायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क था। ये लोग बंजर में थे तो रॉबिन्सन फैमिली बर्फ में थी। तो यहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली को देखते हैं, उनका जो एलियन था वो जुपिटर 2 इस शिप को बर्फ में से बाहर निकालता है और जॉन और सभी लोग इस शिप को रिपेयर करने के लिए लग जाते हैं, जहाँ पे जूडी 3D प्रिंटर के मदद से एक प्रोस्थेटिक लेग भी तैयार करती है ताकि उसकी माँ उसके मदद से चल सके। तो यहाँ पे पेनी को शिप के बाहर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में आकर वो इन्हें बताती है और जॉन और मोरिन विल और उस एलियन को लेकर वहाँ जाकर सर्वाइवर्स को देखने का सोचते हैं। हालांकि जॉन नहीं चाहता था कि ये सब कुछ चेक करे, वो बस इस प्लैनेट से निकलना चाहता था। अब यहाँ पे जॉन अपने साथ गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम का प्रोटोकॉल उसे डिनाई करता है क्योंकि कॉलोनी में रहने वाले लोगों को गन लेने की परमिशन नहीं थी। वही जूडी एंड पेनी को काम दिया जाता है कि शिप का इंजन चेक करके शिप को बर्फ से बाहर निकाले ताकि यहाँ से जाने में कोई मुश्किल ना हो, और ये चारों लोग जंगल जाने के लिए निकलते हैं। वही दूसरी जगह पे डॉक्टर स्मिथ और डॉन को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हलचल थी, और वहाँ पे उन्हें एक पैराशूट मिलता है जिसमें डॉन की ही गर्लफ्रेंड एंजेला होती है, जिसे काफी चोट आई थी और वो मरने के भी कगार पे थी, लेकिन डॉन उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पे काफी समय हो जाता है लेकिन इनके पेरेंट्स का कोई भी अता पता नहीं होता, इसीलिए पेनी उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता और वो जूडी के साथ
शिप का इंजन शुरू करने में कामयाब होती है। वही दूसरी तरफ इन लोगों को जंगल में वो शिप दिखाई देता है जिसमें से वो एलियन आया हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ अब रात होने वाली थी, इसीलिए पेनी अपने पेरेंट्स को लेने के लिए शिप के अंदर जो कार होती है उसे फिक्स करके जंगल की ओर जाने लगती है, क्योंकि जल्दी ही तूफान आने वाला था। तो यहाँ पे डॉन, एंजल और डॉक्टर स्मिथ भी आगे बढ़ रहे होते हैं और कोई लोग उन्हें मिले इसीलिए फ्लेयर गन से इशारा करते हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो यहाँ पे मॉरिन और जॉन दोनों भी शिप के अंदर जाकर चीजें देखने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एलियन होता है वो विल के साथ बॉल बॉल खेलने लगता है। दरअसल दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तभी अचानक से उनका बॉल एक कोने में फंस जाता है। तो एलियन उसे निकालने जाता है और तभी अचानक से उसकी कुछ अतीत की मेमोरीज एक्टिवेट हो जाती है और विल के साथ बने हुए कनेक्शन के कारण विल भी इस मेमोरी को देख लेता है। और तभी उसे पता चलता है कि इन्हीं एलियंस के प्रजाति ने मेन शिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्हीं के कारण काफी सारे लोग मारे गए थे। अब ये जानने के बाद विल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो यहाँ पे मॉरिन और जॉन जो शिप के अंदर होते हैं उन्हें इस प्लैनेट के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का उन्हें मैप भी डिस्प्ले होता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग किसी अननोन गैलेक्सी में आ गए हैं। तो यहाँ पे बाहर डरा हुआ विल एलियन से बचने के लिए जंगल में भाग जाता है, लेकिन एलियन भी उसका पीछा करता है। और तभी विल को एलियन के थ्रू पता चलता है कि उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और एलियन उसे ये भी बताता है कि वो उसका सच्चा दोस्त है। तो यहाँ पे मॉरिन और जॉन को पता चलता है कि अभी अब बहुत जल्दी भारी तूफान आने वाला है, इसीलिए ये लोग शिप से बाहर आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे घमासान बारिश होने लगती है, लेकिन ये बारिश डायमंड्स की हो रही थी, जिनसे बचने के लिए ये लोग एक जगह पे छुप जाते हैं। और तभी इन्हें पेनी का भी सिग्नल रिसीव होता है और एलियन अपने स्पॉटलाइट के थ्रू उसे इशारा करने लगता है। अब पेनी सिग्नल देख के इन्हें रिसीव करने के लिए आती है और ये सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने शिप की ओर लौटने लगते हैं और टेलर उसे जेल से निकाल देता है। और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है सो प्लीज कमेंट में मुझे एक हाय जरूर कीजिएगा और वीडियो